हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन स्टाइल की कर्ड राइस रेसिपी शेयर करूंगी। कर्ड राइस एक बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश है, जिसे मैं आज साउथ इंडियन स्टाइल से बनाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप चावल ले लिया है, जिसे 2 से 3 बार पानी के साथ हम इसे साफ कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। अब एक प्रेशर कुकर में धुले हुए चावल को हम डाल देंगे और यहाँ पे मैं पानी 1 कप चावल में 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। रेगुलर चावल से थोड़ा ज्यादा पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कर्ड राइस बनाने के लिए जो हमें राइस चाहिए वो थोड़ी सी स्टिकी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं 2.5 कप पानी का इस्तेमाल करूंगी। पानी डालकर हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे और लगभग 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। जब ये 2 सीटी आ जाए तो इसे आप खुद से खुलने दें। चावल हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। मैं आपको एक चावल स्मैश करके दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से स्मैश हो जा रही है, तो हमें इतनी ही स्टिकी राइस चाहिए। अब हम राइस को थोड़ा ठंडा होने देंगे। आइए तब तक हम इसके लिए एक तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून घी ले रही हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड डाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ इंग्रेडिएंट हैं जिसका हम इस तड़के में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून धुली उड़द ले रही हूँ, जिससे एक बहुत ही अच्छा सा कर्ड राइस में क्रंच आता है। इसे हम डाल देंगे और इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे। जब भी थोड़ी सी भून जाए तो इसमें एक सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, 3 से 4 लहसुन और थोड़ी सी अदरक जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इन सबको डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसे थोड़ा भून लेंगे। जब ये थोड़ी सी भून जाए तो हम इसमें 1 पिंच हींग डाल लेंगे। हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कर्ड राइस में, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। और अब मैं यहाँ पे 10 से 15 करी लीफ के पत्ते डाल दे रही हूँ और इन सबको अच्छे तरीके से भून कर हम छौंक तैयार कर लेंगे। अब छौंक जब तक ठंडी होती है तब तक आइए हम दही को फेंट कर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश दही है, और इसे हम अच्छे तरीके से विस्क से फेंट कर बिल्कुल क्रीमी कर लेंगे। अब दही थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा पानी ऐड ना करें, ये बिल्कुल रेनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी और क्रीमी ही दही हमें इसके लिए चाहिए। तो दही को हम अच्छे तरीके से फेंट कर रेडी कर लेंगे। अब हमारी राइस और छौंक दोनों ठंडी हो चुकी है, तो आइए हम इसे मिक्स करते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बॉल लिया है, जिसमें हम फेंटी हुई दही को ले लेंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लेंगे और बिल्कुल बारीक कटी हुई थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और अब मैं इसमें जो हमारी राइस हमने बनाकर रेडी किया था, राइस को डाल देंगे और इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप बिना छौंक का भी किसी स्टेज में आप बच्चे को खिला सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसमें तैयार किए हुए छौंक को ऐड करूंगी और इन सबको हम बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। आप इसे टेस्ट करके देख लें, अगर इसमें नमक कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें और आप अगर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा कर लें तो गर्मियों में ठंडी कर्ड राइस बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस हमारा कर्ड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी साउथ इंडियन कुजीन्स में बहुत ही फेमस है, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। ये बनने में जितनी आसान है उतनी ही हेल्दी भी है। दही हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में कर सकते हैं। जब भी आप घर पर कुछ बनाना चाहें तो आप कर्ड राइस बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इस रेसिपी के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।